संताजी घोरपड़े का नाम हमें याद दिलाता है उनका असाधारण पराक्रम और अपार साहस। लाखों सिपाहियों की छावनी में सुरक्षित बादशाह औरंगजेब पर छापा मारकर उन्होंने मुगल बादशाह को बेआबरू किया था। यह घटना छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के देहांत के पश्चात अगस्त 1689 में घटी थी। आज हम इसी घटना का ब्यौरा लेने वाले हैं। अप्रैल 1689 में किले रायगढ़ से निकलकर शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम महाराज प्रथम ही प्रतापगढ़ पहुंचे थे। वे अपनी राजधानी से बाहर निकले हैं इसकी भनक लगते ही मुगलों ने धावा बोलकर प्रतापगढ़ की घेराबंदी करने की ठान ली। इसकी खबर मिलते ही प्रतापगढ़ न रुकते हुए राजाराम महाराज वसोटा, सातारा, परली इस मार्ग से पन्हालगढ़ की ओर निकले। राजाराम महाराज जहाँ कहीं रुकते थे वहाँ मुगल फौजें उन्हें बंदी बनाने हेतु पहुँच जाती थी। अब मुगलों ने पन्हाला किले की घेराबंदी शुरू की। मराठा राज्य के अन्य कई किलों की घेराबंदी इसी प्रकार हो चुकी थी। मराठा किलेदार बिना अपना धैर्य खोए मुगलों से लड़ते रहे। इस शौर्य के लिए राजाराम महाराज उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। मुगलों ने अपनी सारी ताकत छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज को पूर्ण समाप्त करने की ओर लगा दी। इस वजह से मराठों के अनेक प्रयास विफल साबित हो रहे थे। ऐसी संकट की घड़ी में संताजी घोरपड़े तथा धनाजी जाधव इन दो जाबाज मराठा सेनापतियों ने फौज के आत्मविश्वास को बरकरार रखने हेतु एक साहसी योजना रची। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद बादशाह औरंगजेब भीमा नदी के तट पर कोरेगांव में छावनी का रुका था। वहां से मराठा स्वराज के किले काबिज करने हेतु वे सैनिक की दस्ते भेज रहा था। इस समय क्यों ना बादशाह की छावनी पर ही हमला बोलकर मुगल आक्रमण के केंद्र स्थान पर दहशत फैलाई जाए। ऐसी योजना संताजी और धनाजी के दिमाग में आई। इस योजना को अंजाम देने के लिए वे अपनी सेना समेत शंभू महादेव के पर्वत की ओर निकल पड़े। यह पर्वत आज के सतारा जिले में स्थित है। वहां तय हुआ कि बादशाह की छावनी पर संताजी घोरपड़े हमला करें और उसी समय धनाजी जाधव फल्टन बारामती के इलाके में रणमस्त खान और शहाबुद्दीन खान इन दो मुगल सरदारों को रोक रखे। मराठों के इतिहास लिखने वाले मल्हार रामराव चिटनिस इस घटना का वर्णन बड़े दिलचस्प ढंग से करते हैं। आइए उनकी नजरिए से इस घटना को देखते हैं। वे लिखते हैं, संताजी ने कहा, मेरे दस्ते के साथ तुलापुर पहुंचकर मैं सीधे बादशाह पर ही छापा मार देता हूँ। हम मराठे क्या चीज है इस बात का औरंगजेब को एहसास दिलाकर आता हूँ। धनाजी ने संताजी के साथ अपने एक वीर साथी विठोजी चौहान को नियुक्त किया। चुनिंदा 2000 घुड़सवार, अपने दो भाई बहिर जी और मालो जी, इन्हें साथ लेकर संताजी मुहिम पर निकल पड़े। वे जेजुरी पहुंचे, भगवान मल्हारी खंडोबा के दर्शन कर दिवेघाट से उतरकर झाड़ियों में अपना पड़ाव डाल दिया। आधी रात को वे वहां से तुलापुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में 3 कोस की दूरी पर उन्हें छबीने के सवार यानी जो रात को पहरेदारी के लिए घूमते हैं वे दिखाई दिए। उन्हें संताजी ने बताया, हम बादशाह की फौज के मराठा सिपाही हैं। रात की गश्त के लिए हम गए थे और अब काम पूरा कर वापस फौज में लौट रहे हैं। ऐसा यकीन होने पर गश्त के उन सैनिकों ने उन्हें आगे जाने दिया। मुगल छावनी में पहुंचते ही उन्होंने औरंगजेब के छामियाने पर ही तुरंत छापा मार दिया। वहां लाखों की तादाद में फौज होते हुए भी केवल 2-3 हजार सैनिकों के साथ हमला बोलकर संताजी ने बड़ी मात्रा में शाही छावनी को तहस नहस कर दिया। तीनों घोरपड़े भाई तथा विठोजी चौहान इन्होंने औरंगजेब के छामियाने पर लगे सोने के शिखर कलश निकाल लिए। मुगलों की फौज को चकमा देकर मराठों का दस्ता सिंहगढ़ किले के पास सलामती से पहुंच गया। सिंहगढ़ किले पर मराठों के पूर्व सेनापति रहे प्रतापराव गुजर के सुपुत्र सिदोजी गुजर किलेदार था। उन तक यह खबर पहुंचते ही वे इनसे आ मिले। उन्होंने सभी का आवभगत किया और घायलों को अपने साथ किले पर ले गए। 2 दिन सिंहगढ़ के आश्रय से अपनी सेना को विश्राम देकर संताजी घोरपड़े रायगढ़ की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने घेराबंदी करने वाले जुल्फीकर खान की फौज पर भी अकस्मात हमला बोल दिया। इस घमासान मुठभेड़ में मुगल फौज को बड़ी क्षति पहुंचाकर संताजी ने मुगल सेना से 5 हाथी भी काबिज कर लिए। मराठों को पूज्य ईश्वर समान छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का जय जयकार करते हुए मराठा सेना ने यह छापे मारे थे। इन दोनों छापों में लुटी हुई दौलत, 5 हाथी और औरंगजेब को छावनी से निकले हुए सोने के कलश लेकर संताजी घोरपड़े अपनी सेना के साथ राजाराम महाराज को आ मिले। इस घटना का वर्णन करते हुए मल्हार रामराव चिटनिस आगे लिखते हैं, जुल्फीकार खान की फौज पर छापा मारकर उसे तहस नहस करते हुए 5 हाथी लेकर संताजी वाई सतारा से होते हुए पन्हाला में राजाराम महाराज से आ मिले। उनका दर्शन लेकर औरंगजेब के शामियाने से निकले कलश महाराज को नजर कर दिए, 5 हाथी भी नजर कर दिए। उस समय राजाराम महाराज ने प्रसन्न होकर वस्त्र, आभूषण तथा गौरवपूर्ण खिताब देकर संताजी और उनके सभी साथियों को नवाजा। संताजी घोरपड़े को मामलकत मदार अर्थात राज्य का आधार स्तंभ यह खिताब दिया। दूसरे बंधु बहिर जी को हिंदू राव
तथा तीसरे बंधु मालोजी को अमीर अल अमराव यह खिताब दिया। विठोजी चौहान को हिम्मत बहादुर खिताब दिया। संभाजी महाराज के मृत्यु पश्चात संताजी का यह पराक्रम किसी बिजली के कड़कने की तरह पूरे महाराष्ट्र को उज्ज्वलित कर गया। मराठा सैन्य का धैर्य बढ़ा गया। वीर सेनानी संताजी घोरपड़े का यह पराक्रम और इतिहास के पन्नों में ऐसी कई अन्य कहानियां हैं जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। चाहे अन्याय किसी भी सूरत और संख्या में आपके सामने खड़ा हो, अपने पूरे जोर से उसका विरोध करना आपकी भूमि के प्रति आपका कर्तव्य है। यह इतिहास आप तक पहुंचाने का हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। मराठा इतिहास पर आधारित हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।